हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग जगन्नाथ मंदिर गए थे, हमने कितना एंजॉय किया। मेरे एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड हमें हम सबको पूरी घुमाने लेके गए थे, तो हमने बहुत एंजॉय किया था। तो आज हम लोग कोणार्क जा रहे हैं। तो ये इस वीडियो को देखो, लाइक करो और आप सब बताना आप सबको कैसा लगा मेरा ये कोणार्क वाला वीडियो। आप लोग भी इंजॉय करो हमारे साथ, लाइक करो एंड सब्सक्राइब। गाइस, यह कोणार्क मंदिर है। इस मंदिर की खास बात पता है आपको, सूर्य की पहली किरण भारत के इसी मंदिर पर पड़ती है। इस मंदिर में बहुत अच्छी आकृतियां बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत, जो यहाँ की सभ्यता को दर्शाता है। इस मंदिर को रथ के तरीके से बनाया गया है, रथ के रूप में बनाया गया, बहुत खूबसूरत है। बिलीव मी गाइस, हमें बहुत अच्छा लगा प्राचीन काल के इस चीजों को देख करके, इतिहास की चीजों को देख के हमें बहुत इंजॉय मिला। ये मैं हूँ, ये वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे। फ्रेंड, आप देख रहे होंगे यहाँ कितना भीड़ है, लेकिन अचानक यहाँ बारिश होने लग गई, इसी वजह से हम लोग रिटर्न जाने लग गए थे। गाइस, यहाँ बारिश अचानक से बहुत तेज होने लग गई थी। यहाँ बहुत खूबसूरत बाजार था, लेकिन मैं आपको रुककर कुछ दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, इसी वजह से हम लोग रिटर्न जा रहे थे। ये हम लोग भुवनेश्वर आ चुके हैं और ये भुवनेश्वर का धवलगिरी मंदिर है। ये बुद्ध भगवान का मंदिर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। आइए इसे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। Thank you.
लिंगराज टेम्पल भी गए थे, लेकिन वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। अब हम लोग आ चुके हैं खंडगिरी। ये खंडगिरी उदयगिरी दोनों यहीं पर ही है, जहाँ हम लोग खड़े हैं वो खंडगिरी है और इसके ठीक अपोजिट साइड ये उदयगिरी है। मैंने कैमरा जूम किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो ये उदयगिरी है। ये खंडगिरी का बाजार है, ये बाजार भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ बहुत अच्छी सारी चीज़ें बिक रही थी, मैंने यहाँ से कुछ कुछ खरीदा भी था, लेकिन यहाँ इतने अचानक इतना बारिश आने लग गया कि फिर मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाई। फिर हम लोग रिटर्न चले गए और मैं ना ही सही से वीडियो बना पाई। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए बाय, गुड बाय सबको।